इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो कि महिलाओं से मोबाइल व पर्स लूटकर फरार हो जाता। वहीं राजेंद्र नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से शातिर चोर को पकड़कर आरोपी से चोरी के 8 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस अब आरोपी से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। दरअसल पिछले दिनों इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी में रहने वाली महिला ने अपने मोबाइल चोरी होने की शिकायत राजेंद्र नगर पुलिस को दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक बाइक का नंबर मिला, जिसके आधार पर पुलिस पहले बाइक मालिक तक पहुंची तो पुलिस को जानकारी लगी कि वह बाइक आरोपी मांग कर लेकर आया था, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लोगों की जेब से मोबाइल व महिलाओं के पर्स में रखे मोबाइल उसको बड़े ही शातिर तरीके से कटिंग कर चुरा लेता था। आरोपी से अब तक पुलिस ने 8 मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। कई मोबाइल लूट का खुलासा होने की संभावना जता रही है। कल सिलिकॉन सिटी से एक महिला सब्जी खरीद रही थी और सब्जी खरीदने के दौरान उसको एक व्यक्ति ने धक्का मारा और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके पास एक मोबाइल उसका जो है वो नहीं है। उसने आकर रिपोर्ट करी थी। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस रूट को तलाशना शुरू करा और जब सीसीटीवी से पता चला, एक बाइक का नंबर पता चला और उसमें 4 डिजिट आ रहे थे, बाकी डिजिट नहीं आ रहे थे, तो आसपास और खंगालना शुरू करा। तो यहाँ सिलिकॉन से मात्र 700-800 मीटर पे पाटलियापुरा करके गांव है, उसके अंदर वो मोटरसाइकिल मिली। जब मोटरसाइकिल वाले से पूछताछ की कि ये मोटरसाइकिल कहाँ थी, तो उसने बताया कि मेरा एक दोस्त जो है वो इसको लेकर गया था और करीब आधे घंटे बाद उसने मोटरसाइकिल ला दी। टाइमिंग को जब मैच किया तो वो दोस्त समझ में आया, फिर उसको लेकर आए, उससे पूछताछ करी। उसने पूछताछ में इस तरह की मोबाइल कटिंग जो है, जैसे लोग जेब काटते हैं वैसे लोग मोबाइल काट लेते हैं, कई मामलों में तो व्यक्तियों को समझ में भी नहीं आया कि उनकी जेब से मोबाइल गया है या उनके पर्स से गया है, तो मोबाइल कटिंग जैसी इस तरह की जो घटनाएं हैं। तो अभी उससे 8 मोबाइल जब्त हो चुके हैं। उन 8 मोबाइलों के IMIs के आधार पर सर्च कर रहे हैं कि उनके फरियादी कहाँ हैं। उसने राव द्वारकापुरी और राजेंद्र नगर के आसपास से इस तरह की कटिंग की बातें स्वीकार करी हैं। पूछताछ जारी है, आगे न्यायालयिक रिमांड लेके अगली कार्रवाई की जाएगी।